फॉर्मूला 9 का है। मेरा नाम है प्रांजलि नलावड़े और करीबन मैं इस 15 साल से इस इंडस्ट्री के साथ हूँ और इसी इंडस्ट्री ने मुझे सिखाया है कि अपने स्किन केयर का रूटीन को कैसे फॉलो करना है, कलर कॉस्मेटिक को कैसे यूज करना है और ये सबसे बेस्ट मेरा टॉपिक है। और आज के जो हमारे ट्रेनर है, एक्सपर्ट ट्रेनर है, वेस्टिज के जो जोनल सेल्स ट्रेनर है आरती पटेल जी, और आज हम उनसे बहुत तो सीखने वाले हैं कि अपने स्किन रूटीन को कैसे फॉलो करना है, क्योंकि उनसे तो मतलब उनके अलावा हम किसी से नहीं सीख सकते हैं। बहुत ही एक्सपर्ट ट्रेनर हैं और काफी सारे ट्रेनिंग में उनकी कर चुकी हूँ। सो आज हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनका हमने समय चुराया है। काफी सारे बिजी रहते हैं मैम और आज उन्होंने अपना कीमती समय हमारे टीम के लिए दिया है। सो फ्रेंड्स, पेन और अपनी डायरी प्लीज साथ में रखिए, पॉइंट्स लिखिए, जितना हो सके उसका पॉइंट लेना शुरू कीजिए। और विदाउट वेस्ट मच टाइम मैं आरती मैम को इनवाइट करने जा रही हूँ। आपकी सभी की सहायता से मैं उनको इनवाइट करने जा रही हूँ। सो हेल्प वेलकम आरती मैम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच प्रांजलि मैम, थैंक यू एवरीवन। And yes, we'll start the session. But session शुरू करने से पहले, I hope आप सब safe होंगे और अपने घर पे होंगे। Yes, ma'am. So, ma'am, आपने जैसे बताया कि आपका favorite topic है skin care. Yes. Same here, ma'am. मेरा भी बहुत favorite topic है skin care. लेकिन दिक्कत ये है हमारे साथ कि हमारा फेवरेट टॉपिक है स्किन केयर, लेकिन हमारे लोगों का टॉपिक बिल्कुल नहीं है स्किन केयर फेवरेट। सही है। सो आज हम आपको वही सिखाने वाले हैं कि स्किन केयर कैसे करना है और क्यों जरूरी है। एंड सबसे बड़ी बात, स्किन केयर तो करेंगे, स्किन अच्छा भी होगा, लेकिन साथ साथ में हमें बहुत सारे पीवीज मिलते हैं जिसके कारण हमारे चेक बढ़ते हैं। यस। So let's start, ma'am. Yes, ma'am. Definitely. शुरू करेंगे। Wait. Okay. See, skin care, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं पता है आपको, स्किन केयर का मतलब क्या है? महीने में एक बार या दो बार जाके फेशियल करवा, लोग ये सोचते हैं कि स्किन केयर मतलब ये होता है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि साबुन से मुंह धो लिया वो स्किन केयर है, तो कुछ ये बोलते हैं नहीं नहीं फेस वॉश किया ना वो स्किन केयर है, और कुछ वापस घूम फिर के यही आ जाते हैं कि एक उम्र के बाद जरूरी हो जाता है कि चेहरे पे कुछ क्रीम लगा लो तो स्किन केयर है। एक्चुअली स्किन केयर आपकी शुरू हो जाती है 18 की उम्र से, बहुत जरूरी है 18 की उम्र से। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भगवान ने जो स्किन दिया है आपको उसका केयर करना है आपको, और 25 के बाद आपको उसका एक्स्ट्रा केयर लेना है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने जो दिया है उसको थोड़ा संभालना भी जरूरी है। सिंपल है, आपका जब बच्चा छोटा होता है उसे आप अच्छे से संभालते हो, लेकिन जब आपका बच्चा 16 साल का हो जाता है तब उसके सर पे आप उसके कंधे पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देते हो और साथ साथ में उसका उतना ही ध्यान रखते हो। क्यों? क्योंकि अब वो बढ़ने वाली उम्र में पहुंच गया है। वैसे ही आपकी स्किन है, अब वो बढ़ने वाली एज पे जा चुकी है, मेच्योर स्किन है और उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर मैं बात करूं तो हमारे जो टीनेजर्स है, टीनेजर्स पता है कैसे है, उनको बोलो ना बोलो वो अपने आप कुछ ना कुछ लेकर आ जाएंगे नया अपने स्किन के लिए। लेकिन जो हमारे यहाँ के यूथ है, दिक्कत उनके साथ ये दिक्कत है, यूथ का मतलब है 25+ वाले लोग, उनके साथ दिक्कत ये है कि 80% लोग ये सोचते हैं आह शादी हो गई, बीबी बैठी है और बीबी सोचती है पति मिल चुका है, जरूरत क्या है स्किन केयर का। और 20% लोग ये सोचते हैं उम्र हो चली क्या जरूरत है अब स्किन केयर। दोनों ही लोग पॉजिटिव तो सोचते ही नहीं है, लेकिन मेरे जैसे लोग, मैम के जैसे लोग, कुछ ऐसे हम लोग के जैसे कुछ पागल लोग ऐसे हैं, हम अपने आप को पागल ही बोलते हैं, हम कुछ पागल लोग ऐसे हैं जो हम ये सोचते हैं अभी तो हम इतने से तो है, हमारी अभी उम्र तो इतनी सी है, अभी तो और कितनी एज निकालनी है, और उस एज में अगर हमने हमारे चेहरे का ध्यान नहीं रखा तो हम बिजनेस कैसे करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये हमारी सोच।
तो आज मैं अपनी सोच के साथ आप सबको कनेक्ट करना चाहूंगी. ये क्यों हम सोचते हैं, बिकॉज यू नो हम बिजनेस कर रहे हैं. वी आर द बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स. वी आर द एंटरप्रेन्योर्स जो हम हमारे पैरों पे चल रहे हैं. और कहीं ना कहीं हम जब बिजनेस के बारे में किसी और को जाके बात करते हैं, किसी और के बताते हैं कि भाई ये बिजनेस बहुत अच्छा है, तो उसमें सबसे पहली चीज जो होती है ना, सामने वाला जो आपके साथ कनेक्ट करता है वो आपका पर्सनालिटी है, वो आपका एटीट्यूड है, वो आपका बॉडी लैंग्वेज है, वो आपकी अपीयरेंस को चेक करता है. और उस चक्कर में ना आप सबसे पहले वही मार खा जाते हो. अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है, आप किसी को मिलने गए, कोई नया प्रोस्पेक्ट था और आपने बात की, सब कुछ वेस्टिज का फलाना ढमकाना सब कुछ बता दिया, ये प्लान अच्छा है, ये कंसिस्टेंसी मिलते है, इतने महीने बाद इतना फ्री मिलता है, सब कुछ बता दिया, फिर भी आप रिजेक्ट हो गए और आप ये सोचते हो पागल था, उसको ही समझ में नहीं आया कुछ भी. नहीं, वो समझदार था. क्यों? उसने रिजेक्ट क्यों किया? बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. दिक्कत ये थी, आपने सब कुछ बताया पर आपने जो बताया ना वो दिखाई नहीं दिया आपके चेहरे पे, मार वहां खाया हमने. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्किन केयर, बिकॉज स्किन केयर हमारी पर्सनालिटी को बूस्ट करता है, हमारे लुक्स को एनहांस करता है और हमारी एटीट्यूड को और भी पॉजिटिव वे में लेके जाता है. सो लेट स्टार्ट विद द स्किन केयर. आज का जो स्किन केयर सेशन है दैट इज ऑन द स्किन फॉर्मूला 9, जो आप सब लोगों की डिमांड है. और आजकल आई टेल यू, जब मैं वेस्टिज में आई थी ना मैम, तो मुझे इस स्किन फॉर्मूला 9 के सेशन को, मतलब मैं जब स्किन फॉर्मूला 9 के बारे में बात करती थी ना, लोगों का एक परसेप्शन बन चुका था. लोग सोचते थे नहीं यार ये प्रोडक्ट हम नहीं ले सकते, क्यों, बड़ा महंगा प्रोडक्ट है, ये हमारे लिए नहीं है. बट आई विल से थैंक्स टू लॉकडाउन, हमने इतनी ट्रेनिंग्स की, लोगों को इतनी इसकी अवेयरनेस हो चुकी है. आज लोग ये बोलते कि नहीं मैम यही प्रोडक्ट चाहिए बिकॉज दिस गिव्स अ रिजल्ट. सो स्किन फॉर्मूला 9 का जो प्रोडक्ट है, इट इज फॉर द 25+ पीपल. ये याद रखिएगा सबसे पहली चीज, ये 25 से ऊपर वाले लोगों के लिए. फाइन, क्यों 25 से ऊपर? क्योंकि 25 के बाद हमारा स्किन एक नए मूड में आता है, एक उम्र के नए पड़ाव में आता है, जिसको हम बोलते हैं प्री मेच्योर स्किन. आपको पता ही होगा हमारे स्किन में टोटल 4 एजिंग होती है, एक डेवलपिंग स्किन, एक डेवलप स्किन, एक मेच्योर स्किन और एक प्री मेच्योर स्किन. टोटल हमारे स्किन में 4 पड़ाव है, ये याद रखेगा. डेवलप स्किन में हम कुछ नहीं करते, सॉरी डेवलपिंग स्किन में हम कुछ नहीं करते. डेवलप स्किन को हम मेंटेन करने के लिए यू कैन गो विद द एश्योर प्रोडक्ट्स. और ये उम्र कौन सी है? 18 की उम्र से लेके 25 वाली उम्र, जहां पर एश्योर की प्रोडक्ट्स को यूज करोगे. मेच्योर स्किन, जहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वो कौन सी उम्र है? 25 से 35 वाली. एंड प्री मेच्योर स्किन 35 से ऊपर वाली, जहां आपको ज्यादा केयर रखनी है. तो मेच्योर और प्री मेच्योर, ये दोनों ही स्किन के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है स्किन फॉर्मूला 9. स्किन फॉर्मूला 9 एक प्रीमियम रेंज प्रोडक्ट है. ये हमारी जो प्रोडक्ट है ये हमारी स्किन को अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ट्रीट करता है. तो मैं ये कहूंगी इट्स अ ट्रीटमेंट फॉर योर स्किन. सिंपल है. बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मेरा एज 30 है एंड आई एम यूजिंग एंटी एजिंग नाइट क्रीम, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है. नहीं मिलेगा रिजल्ट. एंटी एजिंग नाइट क्रीम 25 से छोटे लोगों के लिए है, हमारी उम्र बढ़ चुकी है. या मैं सिंपल समझाऊं आपको तो दो चीज, पैरासिटामोल एंड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वाली टैबलेट. जब आपको बुखार आता है तो आपको लगता है मुझे कुछ लेना चाहिए, और हम में से हर कोई, ईच एंड एवरी पर्सन, पहला स्टेप क्या होता है अगर आज हमें पता चले कि हम जो टेम्परेचर है क्या करते हो? सबसे पहले पैरासिटामोल 500 mg और 650 mg, जो मिल जाए वो. हमारा मेन टेंशन क्या होता है? बुखार उतर जाए. हमने सुबह गोली ली, हमने शाम को गोली ली, हमने दूसरे दिन सुबह ली, लेकिन अगर फिर टेम्परेचर नहीं उतर रहा है तो क्या करते हो? डायरेक्टली यू गो टू द डॉक्टर. डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करके देता है दवाई, वो दवाई लेते हो
एंड ऑफकोर्स वो जो डोसेज दिया होगा, 2, 3, 4 व्हाटएवर, वो लेने के बाद बुखार उतर जाता है. फिर आप पैरासिटामोल को हाथ नहीं लगाते, डॉक्टर ने लिख के दिया है वही गोली खानी है. फिर भले वो गोली 50 रुपए की एक हो या 200 रुपए की एक हो, डॉक्टर ने लिखा है इसलिए हमको खाना है. एम आई राइट? सो एक सिंपल चीज है, एश्योर का प्रोडक्ट इज अ पैरासिटामोल. स्किन फॉर्मूला मेरा प्रिस्क्रिप्शन है, ये याद रखिएगा आपकी स्किन के लिए, क्योंकि अब आपका स्किन उसे मांगता है, आपकी स्किन की वो रिक्वायरमेंट है. फाइन? और 25 के बाद क्यों स्किन मैच्योर हो रहा है? बिकॉज हम 25 के बाद बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं हमारे काम को लेके, हमारे स्ट्रेस बढ़ जाती है, हमारी टेंशन बढ़ जाती है, हमें हम बिकॉज ऑफ टेंशन हमारी नींद कम हो जाती है, हम देर रात तक जागते हैं, हमारा जंक फूड इनटेक होता है, सन के साथ हम डायरेक्ट इंटरेक्शन में आते हैं, मतलब यूवी रेज आपकी स्किन पे डैमेज करता है आपकी स्किन को. एंड द लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी उम्र हो रही है, ये आपको पता होगा. तो लोग ये बोलते हैं मैडम उम्र हो रही है ना, तो ऐसा बदलाव तो आएगा ही. बहुत सारे मम्मी को ना, बहुत सारे बच्चे बोलते मम्मी तुम्हारा स्किन देखो कुछ करते क्यों नहीं हो, तो मम्मी का रिप्लाई होता है अब इस उम्र में क्या करूं, उम्र हो रही है बेटा तो उम्र उम्र का काम करेगी. नो, उम्र उम्र का काम सिर्फ 20% करती है, सिर्फ 20%. बाकी का 80% क्या होता है? जंक फूड, सुंदर वाली आपकी लाइफस्टाइल जो चल रही है, पानी पूरी बर्गर और अब तो मैदे पे अटैक जो चल रहा है आप लोगों का, देन टेंशंस, लैक ऑफ स्लीप, बैड हैबिट्स लाइक ड्रिंक्स एंड स्मोकिंग, ये सब आपकी स्किन पे इफेक्ट करता है. और ये क्या इफेक्ट करता है आपकी स्किन पे? आपकी स्किन पे रैशेज लाता है, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन आ जाते हैं, एज स्पॉट आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइन आती है, डल स्किन हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, आपकी ब्लेमिशेस एंड एक्नेस होना शुरू हो जाते, गड्ढे हो जाना शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर, बहुत ज्यादा स्किन ऑयली दिखना शुरू हो जाता है, और ऑयल होने के कारण आपकी स्किन डार्क टोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं जो सबसे बड़ा टेंशन है और हर एक लेडी का टेंशन है. हाय राम, आंखों के नीचे कालापन छा गया, ये सारी टेंशन आना शुरू हो जाती है ना. सो ये जो चीजें है इसका सोल्यूशन इज नाउ, इसका सोल्यूशन इज के हमें क्या यूज करना है, एंड दैट इज वॉट वी आर यूजिंग स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट. ओके, सो सबसे पहला हमारा जो प्रॉब्लम है और वो है हमारा पिगमेंटेशन एंड एक्नेस, सॉरी पिगमेंटेशन एंड एज स्पॉट्स. पिगमेंटेशन मतलब क्या? पिगमेंटेशन अंग्रेजी शब्द है, लेकिन अगर मैं हिंदी में बात करूं तो झाइया, मैं गुजराती में बात करूं तो दाज, एंड अगर मैं मराठी में बोलू उसे तो वांग. फाइन? और ये आता कहाँ है? ये है एक ही शब्द, उसके अलग अलग लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, लेकिन आने की जगह उसकी फिक्स है एक, और वो आते हैं यहाँ पे गालों के इस हिस्से में, ये हिस्से में, ये दोनों अलग अलग है ऊपर से, ये भी याद रखिएगा. चलिए पहले बात करते हैं हम डार्क पैचेस की. डार्क पैचेस आपको आते हैं यहाँ पे, आप अपने आंखों के नीचे जरा हाथ लगाइए, यहाँ पे आपको हड्डी दिखेगी, आईबोन है, इस आईबोन से शुरुआत होती है आपके पिगमेंट्स की. और ये पता है क्यों आते हैं? बिकॉज एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आपने न्यूट्रिशियस फूड इनटेक नहीं किया, आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रोटीन विटामिन की डेफिशिएंसी थी, आपने उसको फुलफिल नहीं किया, आपका बीपी अप एंड डाउन चल रहा था, बहुत ज्यादा आप टेंशन लेके चल रही थी, उस चक्कर में एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, और उस चक्कर में ये सारी चीजें बाहर आती है, और ये दिखता भी आपको 2 साल बाद ही है, वो तुरंत वहीं पे वो एक्टिव हो जाता है, लेकिन हमें नजर आता है 2 साल बाद, और ये यहां से शुरू होता है, या तो फिर यूं फैलता है या यूं फैलता है, लाइट ब्राउन कलर के पैचेस दिखना शुरू हो जाते हैं जिसे हम बोलते हैं डार्क पैचेस. नेक्स्ट इज फ्रेकल्स. फ्रेकल्स आते हैं एक्चुअली डायरेक्ट इंटरेक्शन में सन के आने से, अपने स्किन को प्रोटेक्ट नहीं किया है और आप बहुत ज्यादा बिना कुछ प्रोटेक्शन के घर के बाहर निकल रहे हो, तब ये आता है. दूसरा चीज ये आता है बच्चों को,
अब आजकल होता क्या है, हम इतने ज्यादा सिक्योर्ड हो चुके हैं। चलो मैं एक साल से समझ में आता है मुझे कोविड है, बट बिफोर 1 ईयर हम क्या कर रहे हैं? बिफोर 1 ईयर की अगर मैं बात करूं तो हमने हमारे बच्चों को इतना से सजा, कितना सा छुपा के रखा हुआ था, लाइक कि हम बच्चे को 10 बजे के बाद धूप में जाने नहीं देते हैं, बिना चप्पल वो जा नहीं सकता, मिट्टी में वो खेल नहीं सकता, अगर उसे पेड़ पे चढ़ना है तो आप उसे चढ़ने नहीं देते हो, राइट? हम उसे हर चीज तैयार उसके हाथ में देते हैं, और इसका नतीजा क्या होता है, जब बच्चा खुद से सारे काम करना शुरू करता है तब वो किसी के बात सुनता नहीं, और एक सर्टन एज के बाद, 10 साल 15 साल की उम्र के बाद, जब वो बहुत ज्यादा बाहर घूमना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा धूप के साथ इंट्रैक्शन में आना शुरू कर देता है, तब उसके स्किन में छोटे छोटे हल्के हल्के ब्राउन कलर के तिल आना शुरू हो जाते हैं। टेंशन मत लीजिए, कोई नुकसान नहीं करते, सिर्फ इनका काम क्या होता है, ये उम्र के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। मतलब ये कि अगर आज आपको दिख रहा है कि आपके चेहरे पे 3-4 दाग है, 3-4 तिल है, तो ये कुछ सालों में ये 3-4 की जगह पे 10-15 हो जाएंगे, फिर कुछ सालों में ये 25-30 हो जाएंगे, और धीरे धीरे ये पूरा हिस्सा, ये लाइक दिस, दोनों गाल आपके और नोज, ये इस तरह से पूरा आपके नोज और गाल को कवर कर देता है। 35 की एज तक के कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 35 के बाद इन फ्रैकल्स में से कोई एक फ्रैकल क्रैक होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है स्किन कैंसर की। सो अगर 18 से लेकर 25 की एज के लोग हैं आपके पास और जिनको फ्रैकल्स का प्रॉब्लम है, जिनको तिल का प्रॉब्लम है, उनको आप एश्योर नेचुरल्स का लाइटनिंग क्रीम दे सकते हो, एंड 25 के अबव के कोई लोग हैं और उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, देन आपको दूसरा क्रीम देना, जो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगी। थर्ड प्रॉब्लम है एज स्पॉट्स, चेहरे पे दाग होना। एज स्पॉट्स अगेन पिगमेंटेशन का ही एक पार्ट है और ये उम्र के साथ आता है। उम्र के साथ आना मतलब ये कि 35-45 के बाद आपके हॉर्मोन्स वैसे ही इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपका नेचर चिड़चिड़ा हो जाता है, यू डोंट लाइक एनीथिंग, बहुत सारे चेंजेस आते हैं हम फीमेल्स की एज में, फीमेल्स की ग्रोथ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, और उस ग्रोथ के टाइम पे ही हमारे स्किन पे पैचेस दिखना शुरू होते हैं, और वो शुरू होते हैं ये वाले हिस्से पे, इस हिस्से में, यहाँ या फिर यहाँ बैक चीक पे। और ये सबका रीजन, सबसे ज्यादा रीजन जो मैंने बताया आपको, दैट इज अ सन एक्सपोजर। सोल्यूशन क्या है? स्किन फॉर्मूला 9 का ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम आपकी स्किन के लिए बेस्ट है, जो आपकी स्किन पे से हाइपर पिगमेंटेशन को सॉल्व करता है, डल स्किन को क्लीन करता है, अनइवन स्किन टोन, ऑफ कोर्स अनइवन दिखता है बिकॉज यहाँ डार्क यहाँ लाइट, ये पूरा हिस्सा डार्क ये लाइट, तो आपकी जो अनइवन स्किन चल रही है उसको ये इवन करने का काम करता है। ब्लेमिशेस और एक्ने है, दाग धब्बे है, उसे भी ये कम करने का काम करेगा। ये आपकी स्किन को रिएक्टिव करेगा, करेक्टिव करेगा, साथ साथ में ये आपकी स्किन को के ऊपर जो दाग है उसे लाइट करेगा, जो धब्बे दिख रहे हैं वो लाइट करेगा ताकि आपकी स्किन इवन दिखाई दे। अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें लोग पूछते हैं सबसे पहले, ऐसा तो क्या है मैम आपका क्रीम, ऐसा कैसा अच्छा बोल रहे हो आप कि इसमें इतने जल्दी ठीक हो जाता है? तो हमारी स्किन में पहली चीज तो हमने हमारे प्रोडक्ट में सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है। इसके अंदर हमने यूज किया है डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट, जिसके कारण आपकी स्किन लाइटर टोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। सेकेंड, ये काम करता है फ्रैकल्स पे, फ्रैकल्स को निकालेगा नहीं, ये याद रखना, जो आ चुके हैं, जो तिल आ चुके हैं वो जाएंगे नहीं, लेकिन वो रुक जाएंगे, दूसरे आएंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, फाइन। सो ये फ्रैकल्स पे काम करता है, एज स्पॉट्स पे काम करता है, साथ साथ में इसमें नौशिया फ्लावर वैक्स है जो आपकी स्किन को क्लीन करता है, काम करता है, सॉफ्ट करता है, एंड ऑफकोर्स विटामिन B3 जो आपकी डार्क मेलानिन्स को लाइटर मेलानिन्स में ट्रांसफर करता है। अब इसको लगाना कैसे है और ये दिखता कैसे है, ये छोड़ दीजिए, लगाना कैसे ये मैं बता देती हूँ। और ये रहा मेरे हाथ में ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, मैं बॉटल लेके ही बैठी बिकॉज इसको मैं भी रेगुलरली यूज कर रही हूँ, ऑल्दो मेरी स्किन में कोई पिगमेंट नहीं है, बट देन ऑल्सो आई एम यूजिंग ऑल स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट्स। ओके, अब इसकी क्वांटिटी आपको मैं बता दू, आपको बहुत कम लेनी है, वेरी 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 लिटिल, लाइक दिस मच, 1 ड्रॉप, इतना ही लेना है, बस इतना ही लोगे आप।
लोग सोचते मैं एक ही दिन में ठीक हो जाऊं, ये गोली नहीं है, ठीक है, तो इसको आप लोगे इतना वन ड्रॉप और इसी में से आप 6 हिस्से करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसके 6 हिस्से, और उसको आप उंगलियों से अच्छे से स्प्रेड करो, बस हो गया आपका। ये आपको दिन में 2 बार करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, दोनों टाइम इसको आप लगाओ। जब मैंने बताया कि फिंगर में लेके ही डायरेक्ट आप टॉप डॉट्स करोगे तो आप वैसा ही करोगे, अगर आप उसको लेके हाथ में रगड़ोगे तो आधे से ज्यादा क्रीम आपके हाथ में लगेगा तो चेहरे पे नहीं लगेगा, और जब चेहरे पे लगा रहे हो तो सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल होगा, हथेली का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। और इसको आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों ही टाइम। कुछ इसके स्टेप्स है, लाइक पहले चेहरा क्लीन करोगे आप, चेहरा धोओगे और उसके बाद फिर आप इसको लगाओगे। अब आप इसको जब लगा रहे हो तो इसके अंदर SPF नहीं है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर इन क्रीम्स में नहीं है, तो क्या करोगे आप, या तो आप एश्योर का SPF 40 लगाओगे साथ में, ये लगाने के बाद तुरंत उसके ऊपर, या आप जो हमारा मिस्ट्री ऑफ मिलान का 007 व्हाइट पर्ल कॉम्पैक्ट पाउडर है, आप उसको लगाओ। क्यों? बिकॉज उस पाउडर के अंदर SPF भी है, एंटी एजिंग भी है, एंड एक आपके स्किन पे प्रोटेक्शन का लेयर भी बना देती है, पोल्यूशन से आपके स्किन को बचाता है। सो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ विथ दिस प्रोडक्ट मिस्ट्री ऑफ मिलान का 007 कॉम्पैक्ट पाउडर, ओके। ये था हमारा एक प्रोडक्ट। यहाँ जो प्राइसिंग लिखी है ये पुरानी वाली है, नई प्राइसिंग आपको पता ही, जब आप बिल बनाओगे तो आपको दिखेगी नई प्राइसिंग। इसकी DP इज 2200 एंड MRP इज 2400 और इसका PV 73 है। तो सोचो अब आपका काम क्या है, पता है, अगर बिजनेस करना है तो आपका सबसे पहले काम आना चाहिए, आपके आंखों के सामने ना वो लोग नजर आ जाने चाहिए जिनके चेहरे पे पिगमेंटेशन है। अगर वो नहीं दिख रहे तो सिंपल सोच लो आपको पीवी कितना करना है, 73 पीवी एक बॉटल में मिलता है, तो आप पीवी को डिवाइड कर लो, उतने पिगमेंटेशन वाले लोग ढूंढ लो, मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, है ना। सेकंड प्रॉब्लम जो हमारे स्किन में आता है आफ्टर द एज ऑफ 25, दैट इज रिंकल्स एंड फाइन लाइंस। रिंकल्स मतलब झुर्रियां, फाइन लाइंस मतलब रिंकल आने की शुरुआत, और रिंकल्स फाइन लाइंस आने के कारण आपका स्किन सैग करता है, आपकी कोलाजन रिड्यूस हो जाती है, आपकी स्किन में झुर्रियां आ जाती है, आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, प्रोटीन कम हो जाता है स्किन में, और इसके कारण ये सारी चीजें होती है। अब सबसे बड़ी चीज कि ये स्किन का कोलाजन है क्या। कोलाजन ना छोटे छोटे जालियों जैसा होता है, और आप खुद सोचो अगर आपके पास कोई कपड़ा है जो जाली वाला है, उसमें से आप एक धागा खींच के निकाल दोगे तो क्या होगा, पूरी जालियां सब बराबर रहेगी नहीं, क्या होता, वो जालियां पूरी बिखर जाएगी, वो बड़े बड़े होल्स हो जाएंगे। सेम वैसे ही आपकी स्किन में भी कोलाजन है, जो कोलाजन एज के हिसाब से थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, लेकिन नया कोलाजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपकी स्किन ओल्ड फॉर्म में चली जाती है, आपकी स्किन पे सैगिंग आ जाती है, आपका ये वाला हिस्सा लूज होना शुरू हो जाता है, और आपकी स्किन पे आपकी स्किन रफ डल कॉम्प्लेक्शन की नजर आती है, आपकी स्किन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं नजर आती है, बहुत सारे झुर्रियां दिखती है। सॉल्यूशन क्या है, यूथ एलिक्सर। यूथ एलिक्सर आपकी स्किन पे काम करता है, किस पे, डीप एंड फाइन लाइंस पे काम करता है, रफ स्किन स्टाइली स्किन पे काम करता है, डल स्किन पे काम करता है। ये काम क्या करता है, यह आपकी स्किन के जो कोलाजन्स है इसको रिप्रोड्यूस करवाता है, फाइन, साथ साथ में जो रिंकल्स आ रहे हैं उसे आने से कम करता है, रोकता नहीं है, ये याद रखना। मैंने पहले भी कहा उम्र उम्र का काम कर रही है 20%, लेकिन हम प्रोडक्ट अप्लाई करने से वो 20% को 10% में लाके बिठा सकते हैं, फाइन। सेकेंड चीज, हमारे स्किन सैग हो रही है, आप सबको पता होगा हमारे चेहरे पे इलास्टिसिटी है, मानते हो या नहीं, और आपको लगता नहीं नहीं यहाँ पे कैसे इलास्टिक आ सकता है, तो सिंपल अपने गाल को पकड़ के जरा खींचो, कितना खींचता है,
खींच रहा है ना, तो मतलब हमारे चेहरे पे इलास्टिसिटी है ना। अब ये उम्र के साथ साथ ये भी कम हो जाती है, सिंपल है। नया कपड़ा ले लो और उसका इलास्टिस देखो कितना टाइट होता है, आफ्टर 3-4 मंथ्स वो लूज हो जाता है, एंड आफ्टर अ ईयर बिल्कुल लूज हो जाता है वो। वैसे हमारी स्किन है, एक उम्र हो रही है यार, तो उम्र हो, जब उम्र हो रही है तो उम्र के साथ साथ वो काम तो करेगा ना, लूज तो होगा स्किन, स्किन में सैगिंग आएगा, बट यूथ इलेक्सर उस स्किन की इलास्टिसिटी को बूस्ट कर देता है, उसे और धीरे 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 इंप्रूव करने का काम करता है, और साथ साथ में आपकी स्किन को ग्लो देने का काम करता है। इंग्रेडिएंट क्या है? नंबर 1 पपाया पाल। आप सबको पता होगा पपाया आज से नहीं बट सालों से इट्स अ बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर द स्किन। सिर्फ हम थोड़े से सुधर गए हैं, पहले के जमाने में हमारी मम्मी हमारी दादी वो भी फेशियल तो करती थी, वो भी स्किन केयर करती थी, लेकिन सिर्फ उनके तरीके अलग थे। और पहले के जमाने में क्या होता था, पपाया के पल्प को निकाला जाता था, उसको ब्लेंड किया जाता था और उससे मसाज की जाती थी। आज भी कुछ घरों में उनके छिलकों से मसाज की जाती है। सो पपाया इज रियली वेरी गुड बिकॉज इट हैज विटामिन ए एंड फाइबर, जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी स्किन की रिंकल्स को वो इम्प्रूव करता है, साथ साथ में आने से उसको रोकने का काम करता है। सो वी हैव एडेड पपाया पल्प इन दैट। सेकेंड, वी हैव एडेड 24-karat गोल्ड डस्ट। यस, इट इज ट्रू, 24-karat गोल्ड डस्ट इसमें यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि गोल्ड आपको एक तो ग्लो देता है, दूसरी चीज आपकी स्किन को एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है। अब सिंपल फंडा मैं आप लोगों से भी बात करना चाहूंगी इस बारे में। आप मुझे बताइए, आप सब लोग गोल्ड पहनते हो, आई एम श्योर हर एक के, किसी के गले में, किसी के कान में, किसी के उंगलियों पे सोना तो होगा। गले पे नहीं होगा तो ऑफकोर्स अंगूठी जरूर होगी। क्यों पहनते हो? क्या रीजन है इसके पीछे? एनी आइडिया? नो। कुछ लोग मुझे बोलते, मैंने ना बहुत ट्रैवल किया है महाराष्ट्र में, बहुत ट्रैवल किया गुजरात में, और जब मैं पूछती हूँ ना तो गुजरात के लोग बोलते हम गुजरातियों की तो शान है गोल्ड, हमें तो पहनना ही है। और महाराष्ट्र में जाके पूछती हूँ तो महाराष्ट्र बोलते सोना पहनने से दिखाई देता है पति कितना कमा रहा है। आई सेड वाओ, हकीकत किसी ने जानी नहीं। हकीकत ये है कि हमें बचपन से सोना पहना दिया जाता है, बचपन से हम जैसे 2 साल के हो जाते हैं, अगर लड़की है तो तुरंत उसका कान छिदवा दिया जाता है 2 महीनों में, और अगर लड़का तो उसके पैरों में या हाथ में कड़ा पहना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड आपके पूरे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, विच इज वेरी गुड, इसलिए गोल्ड को पहना दिया जाता है। आप सबको अगर देखा होगा, आपने मार्क किया होगा, तो आप किसी भी ज्वेलर शॉप में चले जाओ और चेन मांगो, चेन का साइज इज ऑलवेज दिस मच, इतना लंबा आप बनाते हो, ज्वेलर नहीं बनवाता। ज्वेलर के पास जो रेडीमेड मिलते हैं वो सिर्फ इतना होता है। द रीजन इज दैट गोल्ड डायरेक्टली कनेक्ट्स टू योर हार्ट और यहाँ से आपके ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। सो इट हैज अ रियली वेरी गुड थिंग कि गोल्ड इतना अच्छा काम करता है हमारी बॉडी पे। तो आप सोचिए, अगर गोल्ड डस्ट को यूज किया जाए तो आपकी स्किन पे कितना यूज होगा। एंड दिस इज द प्रोडक्ट, आई टेल यू इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, आई यूज इट डेली। एंड सीरियसली, आप इसको जब अप्लाई करोगे, जब आप इसको निकालते हो ना, तो आपको ना हल्की सी चमक दिखाई देती है, वो गोल्ड डस्ट की है। और जब उसे अपने फेस पे अप्लाई करते हो ना, तो शिमर नजर आता है इसके ऊपर। इट्स अ रियली गुड, इतना ही लेना है, जितना मैंने निकाला ना उतना ही लेना है। सेकेंड थिंग, इसके अंदर वी हैव यूज्ड विटामिन सी। विटामिन सी अगर आप थोड़ा सा स्टडी कर लो तो आपको पता चलेगा, विटामिन सी इज रियली 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 वेरी गुड फॉर द स्किन। हमारी स्किन को विटामिन सी की बहुत जरूरत है बिकॉज विटामिन सी हमारे स्किन पे ग्लो लाने का काम करता है। अब लोग मुझे बोलते हैं, मैडम विटामिन सी अगर है ही अच्छा तो फिर हम नींबू क्यों ना लगा ले, ये तो फुल ऑफ विटामिन सी है। बट यू नो, लेमन में विटामिन सी के साथ साथ साइट्रिक एसिड है, जो बहुत बड़ा टेंशन है। क्यों टेंशन है? बिकॉज आपकी स्किन पे वो इन्फेक्शन या इरिटेशन शुरू कर देगा, आपकी स्किन पे दाने आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि साइट्रिक एसिड इज नॉट गुड फॉर द स्किन। सो वी हैव यूज्ड विटामिन सी एज एन ऑरेंजेस। आपको कहा जाता है वैसे कि दिन में 2 ऑरेंज खाना बहुत अच्छा है स्किन के लिए,
आपकी स्किन को हेल्दी रखता है. बट आई नो इस सिचुएशन में कहां हम ऑरेंज ढूंढने जाएंगे. वी हैव गुड प्रोडक्ट, हमारा यूथिलिक्सा अप्लाइड डेली 2 times in a day, जो आपकी कोलाजन को बूस्ट कर देगा विटामिन सी, साथ साथ में आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को भी इम्प्रूव करेगा. यूथ इलेक्सर को भी आपको दिन में 2 बार लगाना है. कैसे? सेम फेस क्लीन करके यूथ इलेक्सर. अब क्वेश्चन ये आता है मेरे पास कि मैम मुझे रिंकल्स का भी प्रॉब्लम है, मुझे पिगमेंटेशन का भी प्रॉब्लम है, तो मैं क्या लगाऊं? और अगर मैं ये दोनों लगाना चाहती हूँ तो पहले क्या और बाद में क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये ना. सो अगर आप यूथ इलेक्सर को देखोगे ना, तो यूथ इलेक्सर मैंने आपको भी निकाल के बताया था, एकदम पतला है, सिरम है वो, पानी जैसा है वो. तो हमेशा जब भी कोई सिरम होती है ना, सिरम आपके चेहरे पर सबसे पहले लगती है और उसके बाद फिर क्रीम लगती है. तो पहले आप चेहरे को धोओगे, उसके बाद आप यूथ इलेक्सर लगाओगे और उसी के ऊपर डायरेक्टली आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम लगाओगे और उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर 007. ठीक है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मुझे दोनों की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है, तो इसके बाद डायरेक्ट कॉम्पैक्ट पाउडर, वेरी सिंपल. फाइन, नेक्स्ट, ड्राई होना, स्किन का डल हो जाना, और ये उन्हीं को प्रॉब्लम होगा जिनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है. अगर आपकी स्किन पहले से ड्राई है, मतलब 16, 17, 18 की एज से आप महसूस कर रहे हो कि आपका स्किन ड्राई है, देन प्लीज स्टार्ट यूजिंग डे क्रीम ऑफ एश्योर नेचुरल्स, विच इंक्लूड्स विटामिन सी एज एन मोरिंगा लीव्स, जो आपकी बच्चों की स्किन के लिए बहुत अच्छा है. ठीक है, लेकिन 25 के बाद भी आपका स्किन ड्राई है तो याद रखेगा, वो 25 के बाद वाला स्किन ड्राई 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 ही होगा, वो कभी नॉर्मल नहीं हो सकता. ड्राई ऑलरेडी आपकी स्किन में ऑयल नहीं है, और उम्र के साथ साथ वो ऑयल और कम हो जाएगा स्किन में, जिसके कारण आपका स्किन पैची दिखाई देगा, स्कैली दिखाई देगा, इचिंग शुरू हो जाएगी, इरिटेशन शुरू हो जाएगी, स्किन खिंचाव महसूस करेगा, साथ साथ में स्किन में रेडनेस आना शुरू हो जाएगी. सो ये क्यों होता है? बिकॉज पानी आपके स्किन में से पसीना तो निकल रहा है, लेकिन ऑयल है ही नहीं, तो वो स्किन को और ड्राई कर देता है ना, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है स्किन में, जिसके कारण ये दिक्कत आती है. सॉल्यूशन क्या है? इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम. इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम जो है, ये आपके स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है, आपकी स्किन को खाना देने का काम करता है, इन शॉर्ट, है ना. सो इसको ये क्या करेगा? हाइड्रेट करेगा डिहाइड्रेट स्किन को, पैची स्किन पे काम करेगा, फ्लैकी स्किन पे काम करेगा. और एक चीज हमेशा याद रखना, जिसका स्किन जितना ज्यादा ड्राई, उतने ज्यादा आपके चेहरे पे झुर्रियां आएंगी, उतनी ज्यादा आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन आएंगे, ये याद रखिए. सो ये रिंकल्स को भी रिड्यूस करने का काम करता है, ये डार्क स्पॉट्स को, स्कैलीनेस को कम करने का काम करता है. ये आपकी स्किन को नरिश करता है और मॉइस्चर रखता है, चिपचिपापन नहीं रखेगा, ग्रीजीनेस नहीं रहेगा, लेकिन मॉइस्चर रहेगा स्किन. साथ साथ में ये आपकी स्किन पर एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन लेयर, शील्ड बना देता है, ताकि आपकी स्किन में से पानी बाहर निकले ना. मॉइस्चर कब रहेगा आपके चेहरे पे? जब आपकी स्किन पे पानी रहेगा तब. तो ये इतना अच्छा लेयर बना देगा आपके स्किन पे कि पानी ना निकले बाहर और ऑयल नजर ना आए ज्यादा. ओके, और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखेगा. फाइन, इसके अंदर क्या क्या यूज किया गया है? वी हैव यूज आइसलेडिक मूस. नंबर 2, वी हैव यूज ऑर्गेनिक मैकेडमिया नट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल. हमने ये 2 चीज यूज की है. आइसलेडिक मूस जो है, ये फ्लावर्स होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं और ये समुद्र में मिलते हैं, जो अच्छा खासा भरा हुआ होता है मॉइस्चर से. दूसरा, वी हैव यूज ऑर्गेनिक मैकेडमिया नट ऑयल. ये जो है ऑर्गेनिक मैकेडमिया नट ऑयल, ये आपकी स्किन को कंडीशनिंग करने का काम करता है, ये आपकी स्किन को स्मूथ बनाने का काम करता है, और साथ साथ में आपकी स्किन पे एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है. कोकोनट ऑयल, आई नो आप सबको पता ही होगा, ये हमारे यहाँ इंडिया में इसको बहुत हम यूज करते हैं, एंड इट इज रियली गुड फॉर योर स्किन. आपकी स्किन को मॉइस्चर कर देता है, आपकी स्किन को इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज दे देता है कि आपकी स्किन सॉफ्ट एंड सफल दिखना शुरू हो जाती है. हाइड्रेशन क्रीम लगाना कैसे है? ये मेरे पास भी हाइड्रेशन क्रीम लेके बैठी हूँ. हाइड्रेशन क्रीम को सेम वैसे ही लगाओगे जैसे आप यूथ इलेक्सर को लगाते हो. अब आपको ये तीनों प्रोडक्ट यूज करना है, यूथ इलेक्सर, हाइड्रेशन एंड ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम. तो लगाओगे कैसे, स्टेप क्या होंगे आपके?
चेहरा सबसे पहले साफ करोगे, चेहरा धोओगे, उसके बाद आप सीरम लगाओगे यूथ इलिक्सर, उसके बाद आप अगेन हाइड्रेशन लगाओगे क्योंकि ये भी सीरम है। सिर्फ फर्क इतना है यूथ इलिक्सर वाटर बेस्ड सीरम है, हाइड्रेशन क्रीम जो है ये क्रीम बेस्ड सीरम, तो उसके ऊपर आप लगाओगे और उसमें लिखा हुआ है कि ये आपके चेहरे पे एक लेयर बना देता है ताकि पानी आपके स्किन से बाहर ना निकले। तो पहले आप यूथ इलिक्सर लगाओगे, उसके बाद आप हाइड्रेशन लगाओगे और उसके बाद आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, क्रीम लास्ट में ही लगेगा और इसके ऊपर 007 व्हाइट पर्ल कॉम्पैक्ट पाउडर लगेगा। क्लियर है? फाइन, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ब्लेमिशेस एंड एक्ने मार्क्स, बड़ी टेंशन आ जाती है जब हम किसी अपने चेहरे पे एक दाग देख लेते पिंपल का फूटा हुआ, या हम दाना देख लेते कि भाई पिंपल आ रहा है, या हमें टेंशन हो जाती है जब वो दाग हमें नजर आना शुरू हो जाता है क्योंकि हमने तो फोड़ा था ना पिंपल को, तो एक्नेस पे, डार्क स्पॉट्स पे, एज स्पॉट्स जो आ रहे हैं उस पे ये काम करेगा। और ये सबसे ज्यादा दिक्कत उसी को होगी जिसका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, क्योंकि ऑयली स्किन पे पिंपल्स आते हैं, साथ साथ में एक्नेस गड्ढे स्किन के पोर्स खुल जाते हैं तो गड्ढे बड़े हो जाते हैं, साथ साथ में धूप में जितना इंटरेक्शन में आओगे उतना स्किन बिगड़ेगा आप लोगों का, हार्मोन इंबैलेंस भी होता है तो भी ये प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो भी गड्ढे आना शुरू हो जाते हैं, एंड यस आपका लाइफस्टाइल जो आपको पता है कितना अच्छा है। द सॉल्यूशन इज ब्लेमिश जेल। ब्लेमिश जेल आपकी इम्परफेक्ट स्किन को परफेक्ट करेगा, एक्नेस पे काम करेगा, ब्लेमिशेस पे काम करेगा, डार्क एक्नेस पे काम करेगा, और साथ साथ में ये टारगेटेड एरिया पे काम करता है, ये रिड्यूस कर देता है डार्क पैचेस को और आपकी स्किन को फ्लॉलेस छोड़ देता है। जहां आप देखते होंगे भाई यहाँ गड्ढा है और यहाँ पे स्किन स्मूथ है, तो जब आप मेकअप कर रहे हो सपोज तो गड्ढे में सारा लीक अंदर स्टिक हो जाता है तो अजीब सा दिखाई देता है, लेकिन अगर आप ब्लेमिश जेल लगाओगे तो ये सारी चीजें प्रॉपरली ठीक होना शुरू हो जाती है। इंग्रेडिएंट क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर वी हैव यूज नंबर वन टी ट्री ऑयल, नंबर टू यूकेलिप्टस ऑयल। टी ट्री ऑयल मतलब क्या, कोई कुछ बता सकता है मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी ट्री ऑयल? यानी अगर किसी का कुछ बोलने का मन कर दिया या किसी का कुछ लिखने का मन कर दिया तो बोल सकते हो कि व्हाट इज टी ट्री ऑयल। ज्यादातर लोग मुझे ये बोलते हैं कि टी ट्री ऑयल का मतलब होता है चाय के झाड़ का तेल, बिल्कुल गलत। तो कुछ लोग बोलते हैं चाय की पत्ती का तेल, बिल्कुल गलत। अगर चाय की पत्ती का तेल मुझे लेना है तो उससे मैं बोलूंगी ग्रीन टी लीव्स, है ना। पर ये टी ट्री है, ये टी ट्री का मतलब है ये खुद में अपने आप में एक अपना नाम है टी ट्री, ये एक पौधे का नाम है, ये आपको ज्यादातर मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। इस प्लांट के ऑयल्स को निकाला जाता है और उसे यूज किया जाता है बालों के लिए और चेहरे के लिए, साथ साथ में इतना अच्छा है इसके अंदर वो बेनिफिट्स है, वो प्रॉपर्टीज है लाइक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। एंड यूकेलिप्टस ऑयल मतलब नीलगिरी का तेल आपकी स्किन को प्योरीफाई करता है, आपकी स्किन को टोनिंग देता है, आपकी स्किन के तो क्या कहते हैं जो टैनिंग स्किन है, जो ब्लेमिशेस है, जो गड्ढे है, उसके ऊपर ये काम करेगा और उसको रिजल्ट देगा। अब इसको यूज कैसे करना है ना, तो इसको हम लगाएंगे सिर्फ रात को, ये मेरे पास भी है ब्लेमिश जेल, इसको हम लगाएंगे ओनली रात को, दिन में नहीं लगाएंगे हम। अब जब हम रात को लगाना है तो कब लगाना है, तो सिंपल चेहरा धोओगे, उसके बाद आप यूथ इलिक्सर लगाओगे, आप हाइड्रेशन लगा दिया, आपने ब्राइटनिंग क्रीम लगा दिया रात को, अब जहां जहां दाग है आपसे वहीं पे इसको लगाओगे। बट इसको लगाने का तरीका है, आप देख रहे होगे आपको दिख रहा है ये मोटा हिस्सा है और यहाँ पे पेंसिल जैसा है, नोक जैसा है ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि ऐसा दबाया और यहाँ से जेल निकला और उसको लगाया, आप हाथ से नहीं लगाओगे इसको, आप डायरेक्टली यहां से ये जो हिस्सा दिख रहा है यहां से पंप करोगे और जैसे आप पंप करते हो ये बाहर जेल आ जाता है, आप इस जेल को ही डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगाओगे सीधे, फाइन, डायरेक्टली ये जेल स्किन पे लगेगा। और अगर आपके घर पे सपोज दो जन है जिनको दोनों को प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ को प्रॉब्लम है सेम, या दो सिस्टर्स को सेम प्रॉब्लम है, दो ब्रदर्स को प्रॉब्लम है, मदर सिस्टर मदर डॉटर को प्रॉब्लम है, तो सब लोग अपना अलग अलग लेंगे,
ये नहीं होगा, होता है ना, चल तूने क्रीम ले ली, अब अपन दोनों इसी में से लगाएंगे। ब्लेमिश जेल के साथ आप वो नहीं कर सकते हो। ब्लेमिश जेल आपको सबको अपना अपना अलग अलग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके स्किन के बैक्टीरिया इसकी टिप पे लगेंगे और अगर वो ट्रांसफर हुए दूसरी की स्किन पे तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो है प्रोडक्ट, इसको आपको खुद के लिए एक रखना है। ये अलग अलग लगेगा, एक नहीं लगेगा, और ये सिर्फ रात को लगेगा। मतलब ये कि अगर मुझे यहाँ गड्ढा है या मुझे यहाँ दाग है तो मैं सिर्फ यहाँ और यहाँ लगाऊंगी, पूरे चेहरे पे नहीं लगाऊंगी इसे। नेक्स्ट इज ऑयली स्किन। बहुत ज्यादा शाइनी स्किन हो गई, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन हो गई, जिसके कारण आपके पोर्स बड़े हो चुके हैं, आप जिसके कारण आपके ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो गए और बहुत ऑयल निकल रहा है चेहरे में से, बहुत चिपचिपापन हो रहा है आपको, आपका स्किन डार्क टोन में कन्वर्ट हो गया है, आपका स्किन डल दिखाई दे रहा है, डल के बाद भी वो ऑयली ऑयली हो रहा है, थिक कॉम्प्लेक्शन हो गया है, रफ स्किन हो चुकी है ना। तो सोल्यूशन इज वॉट, डीप क्लिंजिंग ऑयल। डीप क्लिंजिंग ऑयल आपके स्किन पे काम करता है, ऑयली स्किन स्किन पे काम करेगा, सेंसिटिव स्किन पे काम करेगा, स्पेशली ये काम करता है ऑयली स्किन के लिए। लेकिन अगर समर में यूज कर रहे हो तो आई टेल यू, चाहे फिर आप ड्राई स्किन वाले हो या आप सेंसिटिव स्किन वाले हो या आप नॉर्मल स्किन वाले हो, आप यूज कर सकते हो, क्योंकि गर्मी के सीजन में हम सबका चेहरा चिपचिपा हो जाता है। तो दिस विल बी मोर हेल्पफुल फॉर एवरीवन। डीप क्लिंजिंग ऑयल डीपली आपकी स्किन में से ऑयल को निकालने का काम करता है। अगर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो एक ही चेहरे के हमने दो हिस्से किए हुए हैं। एक साइड का अगर आप देखोगे, लेफ्ट साइड वाला हिस्सा, तो आप देखना कि चेहरा बहुत ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है और बड़े बड़े पोर्स दिख रहे हैं। राइट साइड का चेहरा एकदम क्लीन है एंड नो पोर्स, प्लस कॉम्प्लेक्शन इज लिटिल वाइट, है ना। ये जो डार्क वाला कॉम्प्लेक्शन है ना, ये ज्यादातर मेल्स वाला हो, उनका स्किन इस तरह से डार्क होता है। बट अगर वो डीप क्लिंजिंग ऑयल को यूज करेंगे तो जो राइट साइड वाला स्किन है वो वैसा दिखना शुरू हो जाएगा, स्किन क्लीन हो जाएगा, डीपली स्किन को क्लीन होगा। इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है, वी हैव यूज्ड कैस्टर्ड ऑयल, एरंडी का तेल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज है, ये आपकी स्किन को प्योरीफाई करता है, मॉइस्चराइज करता है, साथ साथ में ये आपकी स्किन के अंदर ऑयल को इतने अच्छे से पेनिट्रेट करता है कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल के आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है। सेकंड, वी हैव यूज एलमंड ऑयल, जो पूरा का पूरा विटामिन ई से भरा पड़ा हुआ है, जो आपकी स्किन को स्मूदनिंग देगा, रिलैक्सिंग देगा और आपकी स्किन पे इफेक्ट भी करेगा, साथ साथ में आपकी स्किन को नरिश भी करेगा। जब इतने ऑयल्स को यूज किया गया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज अ लिटिल विटामिन सी। और वो विटामिन सी हमने कहाँ से लाया है, फ्रॉम बेरी कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें अलग अलग बेरीज का इस्तेमाल किया है। वी हैव यूज ब्लूबेरी, ब्लैक बेरीज, रास्पबेरीज, इसको यूज करके हमने इसको ऐसा बनाया ताकि आपके स्किन को मॉइस्चर भी रखे, हाइड्रेट भी रखे और साथ साथ आपके स्किन के सेल्स को एक्टिव रखे। फाइन, अब इसको यूज कैसे करना है, ये मेरे पास रहा डीप क्लिंजिंग ऑयल। डीप क्लिंजिंग ऑयल एक्चुअली फेस वॉश, इस छोटे से बॉटल में फेस वॉश, क्लेंजर, टोनर सब कुछ आ गया। बिकॉज आफ्टर द 25 एज ऑयली चेहरे वालों को एक ही प्रोडक्ट की जरूरत होती है, जो आप इनके स्किन से ऑयल को निकाल लो, उनको क्लिंजर टोनर की जरूरत नहीं है, क्लिंजर टोनर इसी के अंदर मिक्स किया हुआ है। फाइन, तो पहले आप इससे चेहरा धोगे, जो मैं बार बार बोल रही थी कि पहले चेहरा साफ करेंगे फिर हम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, तो पहले हम चेहरा साफ करेंगे डीप क्लिंजिंग ऑयल से और उसके बाद हम सारे प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। इसको आपको दिन में दो बार यूज करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग बिफोर गोइंग टू बेड। Now, next and very very important इसलिए क्योंकि हर तीसरा बंदा इसके पीछे रोता है, अरे इस लड़की के पीछे नहीं, इस प्रॉब्लम के पीछे जो साइड में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, अंडर आई डार्क सर्कल्स, पफिनेस, क्रोफिट्स, इसमें और चीजें नहीं लिखी मैं बता देती हूँ, आई बैग्स, ये सारी चीजें हमको होती है एक सर्टन एज के बाद, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो डार्क सर्कल्स, वो शुरू हो जाती है फ्रॉम द एज ऑफ 20-21। अगर 18-19 की उम्र में या 20-21 की उम्र में आपको प्रॉब्लम आ रही है डार्क सर्कल्स की, तो आप यूज कीजिए लाइटनिंग क्रीम, एश्योर नेचुरल्स की लाइटनिंग क्रीम SPF 15 वाली। लेकिन 25 के बाद डार्क सर्कल्स है,
ऑफकोर्स रहेंगे। 25 के बाद वाले लोग जो है वो यूज कर सकते हैं अंडर आई सीरम। अब ये डार्क सर्कल्स आने का रीजन क्या है, चलिए ये बताइए मुझे, क्या लगता है आपको डार्क सर्कल्स क्यों आते हैं? डार्क सर्कल आने का कारण क्या है? कुछ लोग बोलते हैं डार्क सर्कल आने का रीजन है कि टेंशन, तो कुछ बोलते हैं प्रॉपर स्लीप नहीं लेना, स्ट्रेस हो गया, तो कुछ बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो कुछ बोलते हैं कि मैडम बहुत ज्यादा रात को टीवी मोबाइल लेके बैठो ना तो होता है ना, तो कुछ बोलते हैं मैडम खाना प्रॉपरली नहीं खाते ना तो होता है। आपको सच बताओ ये सब के कारण डार्क सर्कल्स नहीं होते, ये सब के कारण डार्क सर्कल्स बढ़ते हैं। दोनों चीजें अलग है। डार्क सर्कल्स होते हैं बिकॉज आपके हॉर्मोन्स चेंज हो गए, और वो कैसे? डार्क सर्कल्स आपको भी है, मुझे भी है, हर एक को है। आप कोई भी एक्ट्रेस को ले लो, उसे भी डार्क सर्कल्स है। और इसको आपको कैसे चेक करना है कि कैसे होता है, ये सिंपल फंडा, आप अपना गाल को जरा पकड़ो, आप मेरे साथ कर सकते हो ये एक्सरसाइज विच विल हेल्प यू इंस्टेंट कि आपको जरूरत है या नहीं इस चीज की ना। आप अपने गालों को जरा पकड़ो, और जब अपने गालों को पकड़ते तो आपको क्या फील हो रहा है? सबसे पहले तो पेन फील हो रहा है, दुख रहा है। सेकंड चीज, कैसा स्किन था? मोटा स्किन था, है ना, और टाइट था, है ना। अब आंखों के नीचे ये वाली स्किन को पकड़ो, क्या फील हुआ? कोई फील ही नहीं हुआ। सबसे पहली चीज, कोई पेन नहीं हुआ, कोई फील नहीं हुआ। दूसरा जो पता चला हुआ कि चमड़ी बड़ी पतली है, और तीसरा जो पता चला हुआ कि स्किन एकदम लूज है, है ना। तो पता है इसके दोनों का डिफरेंस क्या है? ये वाला स्किन और ये वाला स्किन में डिफरेंस ये है कि ये वाला स्किन ये वाले स्किन से 7 times पतला है, समझे आप? 7 गुना पतला है ये वाला स्किन। और ये स्किन में रोज नए सेल्स आते हैं, पुराने सेल्स मर जाते हैं। 28 दिन का साइकिल होता है, 28 दिन होते ही हजारों सेल रोज आते हैं और हजारों सेल पुराने मर जाते हैं। ये साइकिल चल रहा है, इसलिए आपका स्किन हेल्दी दिख रहा है। लेकिन ये वाला जो स्किन है ना, यहाँ पे कोई सेल्स नहीं आते। 20-21 की उम्र के बाद यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती है। ये जो कालापन छाया हुआ है ना कहीं वो सेल्स का डेड बॉडी है। और ये धीरे 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 इसे आप बढ़ाते हो, रात रात को टीवी देखना, रजाई के अंदर घुस के मोबाइल देखना, फिर दूसरा चीज प्रॉपर खाना नहीं खाना, टेंशन्स लेना, आधी आधी रात तक के जगना, आप इसको बढ़ाने का काम करते हो। लाया नहीं आपने, लेकिन आप इसको बढ़ा रहे हो। तो सॉल्यूशन इज अंडर आई सीरम। अंडर आई सीरम आपके आईज पे क्रोफिट्स पे काम करता है, डार्क सर्कल्स पे काम करता है, आंखों के नीचे जो पिगमेंट्स है उस पर काम करेगा, पफिनेस पे काम करेगा, आई बैग्स जो यहाँ हो जाती है उस पर भी ये काम करता है। इसके अंदर वी हैव यूज्ड आर्टिचोक लीफ। आर्टिचोक एक फ्रूट का नाम है, हमने उसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया गया है, जो आपकी स्किन की ड्राइनेस को रिमूव करेगा, जो इलास्टिसिटी है इसे बूस्ट करेगा, एंड ऑफ कोर्स ये आपके रिंकल्स, जो आजू बाजू जो रिंकल्स, जो स्किन पतला है उसे ये क्या कहते हैं, तो इम्बैलेंस जो स्किन है उसको ये बैलेंस करेगा, और रिंकल्स पे भी ये काम करेगा। सेकेंड वी हैव यूज कैफीन। कैफीन जो है ये इट्स अ टाइप ऑफ अ कॉफी, इट्स कॉफी ओनली। कैफीन आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, रिस्टोर करता है, रिफ्रेश करता है, और आपकी स्किन से पफिनेस को रिड्यूस करता है। आज तक हमने ये सुना था कि कॉफी सिर्फ पीने के लिए, बट कॉफी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, जो आपकी स्किन को और भी अच्छे से ग्लो देती है। राइट, इसको लगाना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट देख लो, बिकॉज मैं अपना जो स्किन क्रीम शेयरिंग है ना वो स्टॉप कर रही हूँ। प्रोडक्ट मेरे पास भी है, ये रहा, ये है मेरा अंडर आई सीरम, छोटी सी डिब्बी है, ये आराम से मेरा चल जाता है 3 to 4 months। इसको मुझे रात को लगाना है, दिन में नहीं। दिन में अगर मैं लगा रही हूँ तो मेक श्योर कि आप बने इतना 1-2 घंटे तक के टीवी और लैपटॉप से दूर रहे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम से आप दूर रहे तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज बेस्ट इज टू यूज इट नाइट। अब इसको लगाना कैसे है,
लोग मुझे कंप्लेन करते कि मैडम हमने ना आई सीरम लगाया था, तो हुआ क्या, मैंने कल ही लगाया, दो ही दिन हुआ लगाए, लेकिन दो दिन में मेरी आंखें लाल लाल हो चुकी है, आंखों से पानी आ रहा है, आंखें सूज गई है। और जब मैं पूछती हूँ कैसे लगाया, तो आंसर बड़े प्यार से देते हैं, उंगली में लिया और उसको यहां से मसाज किया, यहां मसाज किया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था जरा अपने उंगली उंगली अपने हाथों से इसको पकड़ो, तब आप ही ने कहा था कि स्किन बहुत सॉफ्ट है, तो अगर ये स्किन सॉफ्ट है तो सॉफ्ट स्किन पे आप कैसे रगड़ सकते हो किसी चीज को, है ना। सो नंबर वन कि आपको रगड़ना नहीं है। नंबर टू, आपको ये वाली उंगली यूज नहीं करनी। आप जब सिरम लगा रहे हो तो यू हैव टू यूज योर रिंग फिंगर्स, दिस वन, ये वाली फिंगर को आप यूज करो। कारण आप सब अपने अपने उंगलियों को अच्छे से देखो, पहली उंगली का टिप चेक करो कैसा दिख रहा है, बैठा हुआ है, दूसरी उंगली का थोड़ा सा मोटा है, बीच वाली उंगली का अगर ध्यान से देखोगे तो परफेक्ट शेप में मिलेगा आपको माउंटेन के, छोटी वाली उंगली बिचारी छोड़ दो, वैसे ही वो छोटी है, ठीक है। आपको इस उंगली पे लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ दबाते हुए इस तरह से छोड़ देना है उसको, बस आप यहाँ से दबाते हुए छोड़ दो। आप चाहो तो हल्के हाथ से इस तरह से एकदम हल्के हाथ से आप इसको थोड़ा सा स्प्रेड करके ऊपर स्प्रेड करके छोड़ दो। वैसे मैं आई सीरम ऊपर नहीं लगाती, मैं आई सीरम सिर्फ नीचे लगाती हूँ, क्यों, क्योंकि पहली चीज थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली चीज, वैसे मैं गुजराती हूँ ना, आप सबको पता ही होगा, तो गुजराती लोग थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं। अब मेरा कैलकुलेशन ये बोलता है कि मैं यहाँ भी लगाऊं, क्रीम को वेस्ट क्यों करूं, मैं यहाँ लगा ही रही हूँ तो जो आई बॉल है ना मेरा, ये अपने आप अंदर से उसको घुमा के ऊपर क्यों ले जाएगा, तो मैं क्यों क्रीम वेस्ट करूं, सिंपल लॉजिक है ना। तो आप चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, आप सिर्फ यहाँ लगा दो, वो अपने आप उसको ऊपर लेके चले जाएगा। अब कब लगाना है, कैसे लगाना है, है ना। पहली चीज रात को लगानी है, कब, तो सबसे पहले आप डीप क्लींजिंग ऑयल से चेहरा धोओगे, उसके बाद आप सीधा आई सीरम लगाओगे सिर्फ ये हिस्से में, उसके बाद आप यूथिलिक्सर लगाओगे, उसके बाद हाइड्रेशन, उसके बाद ब्राइटनिंग क्रीम और लास्ट में ब्लेमिश। अब जरूरी नहीं है ये सब कुछ लगाना, ये पूरा जो है ना ये एक रिजिम है, इफ यू वॉन्ट यू कैन गो फॉर इट, है ना। कब तक दूसरों को प्रीटी 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 बोलते रहोगे, खुद भी तो प्रीटी दिखने के ट्राई करो, कब तक लोगों की तारीफ तुम खुद करोगे, मन नहीं करता कोई मेरी भी तारीफ कर ले, मेरा मन करता है इसलिए मैं ये लगाती हूँ, ठीक है। अगर आपका नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगा सकते हो आप, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, बट मैंने आपको स्टेप्स इसलिए दिखाए कि अगर इनमें से अगर आप दो प्रोडक्ट भी लगाना चाहते हो तो मैंने आपको स्टेप बता दिए, कोई भी दो प्रोडक्ट लोगे लेकिन ये प्रोडक्ट जरूरी है, वो है डीप क्लींजिंग ऑयल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से स्किन को क्लीन करना है, ठीक है। तो वैसे आपको तीन प्रोडक्ट तो लेनी ही पड़ेगी। और अगर आप बोलते हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरा चेहरा बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे चेहरे पे, फिर भी मैं बोलूंगी एटलीस्ट ये दो प्रोडक्ट लगा, यूथिलिक्सर हाइड्रेशन, यूथिलिक्सर एंटी एजिंग का काम करेगा, हाइड्रेशन आपके स्किन को हाइड्रेट रखेगा जिसके कारण रिंकल्स नहीं आएंगे। तो ये तीन जो ऐसी प्रोडक्ट है जिसपे मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आपके स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी इसको लगाओ, आपके चेहरे पे रिंकल्स नहीं है ना फिर भी लगाओ, आपका स्किन ड्राई नहीं है ना फिर भी लगाओ, ये जरूरी है, ये तीन प्रोडक्ट ऐसे जिसको लगाना है, फाइन। सो ये सारे जो प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताए, ये सारे एक तो प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट्स है, सेकेंड चीज ये सारे प्रोडक्ट्स आपके स्किन को रिजल्ट देते हैं, यस इसको जेंट्स भी यूज कर सकते हैं, और जेंट्स के लिए द बेस्ट प्रोडक्ट इज दिस वन एंड दिस वन, डीप क्लींजिंग ऑयल से चेहरा तो बिना भूले रोज धो यार, गारंटी देती हूँ विद इन 15 डेज आप अपने चेहरे पे कलर का चेंज देखोगे, अगर रेगुलर लगाया तो। हाँ फिर ये नहीं कि मैडम दो दिन लगाया लेकिन कोई फर्क नहीं दिखा, नो, चेंज देखोगे मतलब यू विल सी द ग्लो, चेहरे का कलर एकदम बदल नहीं सकता है, सॉरी हाँ उसकी गारंटी मैं नहीं लेती हूँ, बट यस कलर यू विल लुक चेंज, मतलब ग्लो दिखाई देगा, शाइन दिखाई देगा। एंड सच बताओ, आई हैव डन द एक्सपेरिमेंट ऑन माई हस्बैंड ऑल्सो, एंड यूजिंग दिस प्रोडक्ट रेगुलरली, ही लव दिस प्रोडक्ट, ही यूज दिस वन, ही यूज दिस एंड ही यूज दिस, ये तीन प्रोडक्ट्स उसके फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं,
सो ही इज यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स फाइन. सो ये मेल्स इसको यूज कर सकते हैं. बट अगर आप डीप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम लगाना चाहो ना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डीप क्लिंजिंग ऑयल एंड यूथ इलिक्सर मेल्स यूज कर सकते हैं. और तीसरा प्रोडक्ट वो है हमारा 007 व्हाइट पर्ल कॉम्पैक्ट पाउडर. फर्स्ट वन इज डीप क्लिंजिंग ऑयल, सेकेंड वन इज यूथ इलिक्सर एंड थर्ड इज 007 व्हाइट पर्ल कॉम्पैक्ट पाउडर. ये मेरे घर में यूज किया जाता है, तो आप भी यूज कर सकते हो. मेरे घर में मैंने रिजल्ट लिया है, तो आप अपने घर में ले सकते हो रिजल्ट चाहो तो, है ना. वैसे अभी हम 80% लोग घर पे ही बैठे हैं, सो क्यों ना शुरुआत घर से करें. जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मेरे घर पे एक्सपेरिमेंट किया और उसको रिजल्ट मिला है, तो आप क्यों नहीं अपने घर में ट्राई करते हो, क्यों नहीं. क्योंकि अगर इसको ट्राई करवाना है ना, तो सिंपल टेक्निक बताती हूँ. सबसे बड़े प्यार से बोलो हस्बैंड को बचपन का फोटो जरा देना, बचपन का फोटो मिल जाएगा. फिर बोला अच्छा तुम स्कूल जाते तब का फोटो बताओ, वो भी मिल जाएगा. अच्छा कॉलेज जाते थे तब का फोटो बताओ, वो भी मिल जाएगा. तीनों चेहरों में डिफरेंस देख लेना और साक्षात देख लेना डिफरेंस, पता चल जाएगा हाँ कितना सारा ड्रास्टिक चेंज मिल रहा है आपको कलर में. तो एटलीस्ट यू आर गेटिंग द चांस कि आप थोड़ा बहुत तो उसको इम्प्रूव करवा सकते हो विद दिस प्रोडक्ट्स. एंड दिस आर रियली आई टेल यू सुपर प्रोडक्ट्स आर देयर. एंड सबसे बेस्ट पार्ट, सब में PV30+ है. चाहिए क्या. अगर किसी को न्यू ज्वाइनिंग है आपका और उसको उसका आईडी एक्टिव करवाना है, सिंपल एक यूथ इलिक्सर डाल दो, 40 PV मिल जाता है सीधा आपको. और क्या चाहिए बताओ. 48 PV, I'm sorry, not 40, 48 PV मिलता है आपको. डीप क्लिंजिंग ऑयल 40 PV, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम 73 PV, आपका अंडर आई सीरम 30 PV, ब्लेमिश जेल 31 PV एंड हाइड्रेशन अगेन 40 PV. इतना अच्छा बेनिफिट कौन दे रहा है, टेल मी. सो दो फायदे, एक तो स्किन पे रिजल्ट मिलेगा, दूसरा ऑफकोर्स पॉकेट में रिजल्ट मिलेगा. तो टोटली अब आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है. राइट, मेरा काम है आपको सिखाना, वो मैंने सिखाया आपको. अब आपका काम है इसको यूज करो और उसके बाद मुझे फीडबैक भी दो. साथ साथ में वी कैन डू वन थिंग, अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, प्लीज इसके छोटे से 2 मिनट का या 1 मिनट का वीडियो बनाइए और आप मुझे सेंड कर सकते हो, या आप अपने अपलाइन को सेंड कर सकते हो, ताकि हमें पता चले कि आप प्रोडक्ट्स को कैसे यूज कर रहे हो. राइट, सो थैंक यू सो मच मैम, मेरा काम यहाँ खत्म होता है. थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है. और आई होप यहाँ पे जितने भी सारे लोग थे, बस अपने हेल्थ के साथ अपना स्किन का भी इम्पोर्टेंस आज उनको पता चला है. आज के तारीख में हम सिर्फ हेल्थ 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 के ऊपर है, लेकिन हमारी स्किन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है. और यहाँ पे सब लोगों के जो माइंड में क्वेश्चन थे, बाबा डार्क स्पॉट पे क्या यूज करना है, रिंकल्स है, फाइन लाइन है, अंडर आई सर्कल्स है, तो कौन सा प्रोडक्ट कौन सी समस्या पे यूज करना है, आपने पूरा डिटेल में ही समझा दिया है. और थैंक यू सो मच, आपने आपका इतना समय निकाल के हमारे टीम के लिए आज आपने दिया है. और बस यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, अगर उनको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. बिल्कुल, यस यस, किसी का कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आस्क. आई विल ट्राई कि मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं. महाजन सर हमारे डायमंड है हमारे टीम में से. महाजन सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका फीडबैक दीजिए मैम को, कैसे लगा प्रेजेंटेशन. महाजन सर नहीं आवाज आ रही है आपकी सर. अच्छा अपर्णा जेंडे, अपर्णा मैम शायद कुछ बोलना चाहती, बिकॉज शी रेज हर हैंड. यस यस, गुड मॉर्निंग मैडम, आवाज येतो. खूप छान सांगितलं मॅडम तुम्ही माहिती, पण मला एक विचारायचं होते, जर ऑइली स्किन असेल तर त्याच्यासाठी पण आता तुम्ही जे 3 प्रोडक्ट सांगितले तेच युज करायचे का. हो तेच प्रोडक्ट युज करायचे, अगर तुमची स्किन ऑइली आहे आणि त्याच्यात पिंपल्स पण येतात. युज करायचे, ठीक आहे मॅडम, खूप छान माहिती सांगितली, थँक्यू. थँक्यू मॅम. हॅलो, येस मॅम, लवली
एक्सप्लेनेशन ईच एंड एवरी थिंग. और कैन यू जस्ट हेल्प मी लाइक जो एज बिलो 18 है तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन हेल्प विद. सी बिलो एज 18 आई नेवर रिकमेंड एनी प्रोडक्ट, बट इफ सपोज यू वांट लाइक because below 18 age is 16 or 15 or 16 the kids have the problem of like pimples or a rough skin, then you can use Assure face wash and Assure Naturals day cream. If suppose the kid have spots on the face, then you can go with the lightening cream of Assure Naturals. That's it, not more than that. And supplement amla aloe vera regularly. Okay. All right. So, when the periods are coming over, periods जैसे आते हैं तो वो जो ऐसे pimples वगैरह सब आते हैं, थोड़ा skin में भी problem आता है because of hormonal changes. तो ये सब help करेगा ना इसमें? बिल्कुल करेगा. और इसके साथ साथ मैम मैं एक recommend करूँगी, please अगर young बच्चे हैं, young teenagers हैं और periods की problem हो रही है, तो please give them sanitary napkin of Dew Garden because इससे आपकी 60-70% problems solve हो जाएगी. जो नेक का पोर्शन होता है जहाँ पे चेन की वजह से जो ब्लैक टैनिंग होती है, उसके लिए यूज हो सकता है क्या डीप क्लींजिंग ऑयल? डीप क्लींजिंग ऑयल तो नहीं यूज कर सकते फ्रेंकली स्पीकिंग उसके लिए, लेकिन अगर जो आप बोल रहे हो कि ये नेक वाला हिस्सा है जहाँ पे बहुत ज्यादा डार्कनेस आ जाती है, स्किन रफ हो जाती है, डल हो जाती है और खुरदुरी हो जाती है, राइट, तो आप यहाँ पे ना 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार आप पपाया स्क्रब का यूज करो. ओके. जो एश्योर नेचुरल का, या फिर क्या करो आप, जो हमारा ये जो हाइड्रेशन क्रीम है ना, इसको अच्छा खासा लगा दो, 15 दिन में एक बार करो, इसको अच्छा खासा लगा दो यहाँ पे. एंड ग्लॉस आते हैं मालूम है, ग्लॉस ये बैंडेज आता है पता है, जो पट्टी लगाते हैं हम, वो पट्टी लो, उसके ना ऐसे फोल्ड कर दो अच्छे से, उसको स्क्वायर में फोल्ड करके लो, और उसके बाद उसको लगाने का, उसको यहाँ से अच्छे से रगड़ो, स्क्रबिंग का काम करते हो, पूरा डार्कनेस निकालेगा आपका. एवरी 15 डेज में ये करो. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू मालिनी. एक्चुअली दिस इज नॉट नेसेसरी. मालिनी का क्वेश्चन ये है कि इज इट नेसेसरी टू यूज ऑल द प्रोडक्ट्स. सी मालिनी सिंपल है, मुझे लगता है मुझे अच्छा दिखना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे मेरी स्किन को हमेशा हेल्दी दिखना चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. एक्चुअली दिस, ये जो मैं यूज करी, इसे हम रिज्यूम कहते हैं. तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप पूरा यूज करना चाहती हो यूज करो, अदरवाइज एटलीस्ट ये 3 प्रोडक्ट जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ वो यूज करो, ये कंपल्सरी आफ्टर द एज ऑफ 25. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Any other question? Yes, ma'am. One more. Actually, question. पूछने वाले लोग please अपना नाम तो बता दो. पहले हम किससे बात कर रहे हैं? I'm Shweta. Okay. जिसको pimple का problem हो और price का थोड़ा issue होता है और dark spots होते हैं, तो how we can go ahead? कैसे हम लोग because supplements भी देने पड़ते हैं और ये blemish gel भी देना पड़ता है, तो how that goes? See, Shweta, I'll tell you one thing. Price issue हर एक को हर बार रहेगा. Simple चीज है, you have to ask the question कि क्या चाहिए, skin चाहिए या फिर जिसमें हो उसमें खुश हो. देने के लिए issue और मैं बता सकती हूँ, suggest कर सकती हूँ, but वो उतना ही हो जाएगा. आप एश्योर का प्रोडक्ट 1 साल तक लगाओगे, उससे अच्छा आप 6-7 महीने तक स्किन फॉर्मूला 9 लगाओ, उसको उसकी अपने आप उसको समझ में आ जाएगा कि क्या सोल्यूशन है इसका और कैसे रिकमेंड किया जा सकता है और क्यों रिकमेंड कर रहे हैं हम उसको. प्राइस इश्यू है, आई अंडरस्टैंड द थिंग, बट स्किन फॉर्मूला 9 एक अपने लेवल पर है, वो काम करेगा, एंड एश्योर वो अपने लेवल पे है. आप हो सके तो सप्लीमेंट में कुछ ऊपर नीचे कर सकते हो, एंड मैं सप्लीमेंट्स में नीम कभी रिकमेंड नहीं करती, तो आप उसे क्विट कर सकते हो. ओके. गुड इवनिंग मैम, माई सेल्फ नीरू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड थैंक यू सो मच, सो नाइस इन्फॉर्मेशन यू हैव गिवन रिगार्डिंग द स्किन. बस ओनली वन थिंग आई वॉन्ट टू कन्फर्म, एज माई स्किन इज ऑयली, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक
deep cleansing oil. Mm-hmm. Okay, and then Youth Elixir and Skin Formula 9 brightening treatment. Is it okay? Yes, it is okay. But brightening treatment ki quantity bahut kam loge. Okay. Because brightening treatment cream jo slight oily hai aur hamara skin bhi oily hai. Yeah. My skin is oily only, right? Yeah. So what I'm doing, I'm using deep cleansing oil, Youth Elixir and hydration. And then brightening. Main dono laga rahi hu, but quantity hame kam leni hai. Okay, because my skin is too oily. Every time oil is... हाँ तो आप उसको लगाने के बाद U007 white pearl compact powder. Okay. To balance your skin. Okay. Thank you so much. Thank you. Yeah. Okay friends, I hope सबके question का answer मिल चुका है और मैम की और एक मीटिंग भी है. थैंक यू सो मच आरती मैम, आपने बहुत ही बढ़िया हर एक सवाल का जवाब दिया है आपने. थैंक यू सो मच. यस मैम, और आपकी हमें हेल्प लगेगी, हम आपको हमेशा इनवाइट करेंगे. ऑल योर्स मैम. यस यस, थैंक यू सो मच मैम. मुझे लगता है आज तक जितने भी स्किन फॉर्मूला के 9 के प्रोडक्ट जिन्होंने यूज नहीं किया होगा, शायद आज से सब लोग स्टार्ट करेंगे, अपना बिजनेस भी बढ़ेगा और अपनी स्किन भी अच्छी हेल्दी और ग्लोइंग रखेंगे. सो थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन.